हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभासिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम ब्रेड और बनाना से एक टेस्टी सा रेसिपी बनाएंगे। ये बच्चे और बड़े को बहुत ही पसंद आती है और इसको बनाना भी बहुत ही चाहिए। इसको बनाने के लिए पहले हम पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें बनाना को डाल देंगे। अच्छे से बनाना को मैश कर लेंगे। गैस के फ्लेम को लो फ्लेम में रखकर इसको अच्छे से पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच शुगर। अब हम शुगर को अच्छे से मिला लेते हैं। बनाना को हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाना है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम फ्लेम में रखकर इसको अच्छे से पकाएंगे। बनाने को पकने में 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ऊपर इलायची पाउडर डाल देंगे। डाल के इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। ये हमारी ब्रेड की स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम एक ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर बनाना की स्टफिंग को लगा लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर बनाना की स्टफिंग को लगा लेना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा काजू और बादाम को डाल देंगे। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा है। अब हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड को रख देंगे। इसी प्रोसेस में हमें दूसरा बना लेना है। अच्छे से बनाना की स्टफिंग को लगा लेना है। लगा लेने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़े काजू और बादाम को डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड को रख देते हैं। ये हमारा दोनों ब्रेड बनकर रेडी है। इसको हम थोड़ा सा पैन में रखकर इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। पहले हम पैन को अच्छे से गर्म करके इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। अब हम इसके ऊपर ब्रेड को रख देते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम में ही इसको अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इसको पलट लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो फ्लेम में रखकर इसको अच्छे से सेकना है।
जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे। धीरे धीरे करके ही इसके ऊपर हमें मिल्क डालना है। मैं यहाँ पर हाफ ग्लास के करीब मिल्क लिया था। सारे मिल्क को हमें इसके ऊपर डाल देना है। गैस की फ्लेम को लो फ्लेम में रख कर ही इसको अच्छे से रोस्ट करना है। कुछ देर बाद हम इसको पलट लेंगे। जब मिल्क अच्छे से ब्रेड में सूख हो जाए, उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। मिल्क ऐड करने से ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है। अब हम इसको पलट लेंगे। धीरे से ही इसको पलटना है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा और घी भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनकर रेडी है। फ्लेम को लो मीडियम फ्लेम में रखकर इसको हमें 1 से 2 मिनट तक पलट पलट कर अच्छे से फ्राई करना है। ब्रेड हमारी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाल के इसको सर्व करेंगे। हनी डालने से ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चे को बहुत ही पसंद आती है। ये हमारी ब्रेड की टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।